और इकबाल के कलाम से, शख्सियत से मोहब्बत करने वालों, इकबाल के इस्लाम का मुकदमा लेकर मैं आपके पास इस दूसरे हिस्से को लेके आज हाज़िर हूँ। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह के हवाले से जो मैंने पहले चंद गुज़ारिशात पेश की हूँ, उसको आप दोस्तों ने सराहा और उस पर जो कालें भी आईं और दोस्तों ने इसको बड़ा पज़ीराई से नवाज़ा, उस पर अल्लाह ताला आप सबको अजर अता फ़रमाए। आज मैं इकबाल के बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पज़ीराई के हवाले से एक अहम इकतबास आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे हर ख़ास व आम को आगाही होगी कि इकबाल बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस कदर मकबूल थे और किन वजूहात की बिना पर मकबूल थे, वो भी आगे जाकर मैं बताऊँगा। क्योंकि इकबाल के इश्क रसूल और इस्लाम के साथ मोहब्बत, ये हमारे दो मौजूआत हैं जिनको हमने आगे चल के इंशाअल्लाह ताला साबित भी करना है दलाइल के साथ। तो चनाचे खतूत इकबाल में से मैं एक खूबसूरत चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह के हवाले से ये बड़ी इस तरफ गौर तलब है और इसको सफ़ा नंबर 488 88 पर यह इकतबास दर्ज है, ये पढ़ने के काबिल है और इससे आप देखिएगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अपने वालिद ग्रामी को ये ख़त लिख रहे हैं और उसमें इस चीज़ का इजहार हो रहा है। 3 अप्रैल 1920 को ये ख़त लिखा जा रहा है, 1920 को। अब ये इकतबास गौर से सुनिएगा कि अल्लामा इकबाल की बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस कदर पज़ीराई है और मकबूल हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ इश्क रसूल था जिसने इकबाल को बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करीब किया। यहाँ कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि इकबाल ने तो दाढ़ी नहीं रखी थी, तो वह दाढ़ी तो गाज़ी अलमदीन शहीद रहिमहुल्लाह की भी नहीं थी और बड़े बड़े गाज़ियान इस्लाम की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल थे। तो क़िबला काबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीबन 4 माह का अरसा हुआ कि मुझे एक गुमनाम ख़त आया जिसका मज़मून ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तुम्हारी एक ख़ास जगह है जिसका तुमको कुछ इल्म नहीं, अगर तुम फलां वजीफ़ा पढ़ा करो तो तुमको भी इसका इल्म हो जाएगा। इकबाल अपने वालिद ग्रामी को लिख रहे हैं, वालिद ने उनको ख़त लिखा था कि ये वजीफ़ा किया करो। वो वजीफ़ा ख़त में दर्ज था, मैंने इस ख्याल से कि वो ख़त गुमनाम था उसकी तरफ तवज्जो ना की। अब वो ख़त मेरे पास नहीं है, मालूम नहीं रद्दी में मिल मिला कर कहाँ चला गया। परसों का जिक्र है, अब ये सुनने के काबिल है, परसों का जिक्र है कि कश्मीर से एक पीरजादा मुझे मिलने के लिए आया। उसकी उम्र करीबन 30-35 साल की होगी, शक्ल से शराफत के आसार मालूम होते थे, गुफ्तगू से होशियार समझदार और पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था, मगर पेशतर इसके कि वो मुझसे कोई गुफ्तगू करे मुझको देखकर बेख्तियार जारो कतार रोने लग पड़ा। इकबाल कहते हैं, मैंने समझा शायद मुसीबत ज़दा है और मुझसे कोई मदद मांगता है। इस्तफसारे हाल किया तो कहने लगा कि किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मुझ पर खुदा का बड़ा फ़ज़ल है, मेरे बुज़ुर्गों ने खुदा की मुलाजमत की है और अब मैं उनकी पेंशन खा रहा हूँ। रोने की वजह खुशी है न गम। मुफस्सिल कैफियत पूछने पर उसने कहा कि नौगाम में जो मेरा गांव श्रीनगर के करीब है, मैंने आलम कश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, दरबार देखा, सफ नमाज के लिए खड़ी हुई, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इकबाल आया है या नहीं। मालूम हुआ कि महफिल में नहीं था, उस पर एक बुज़ुर्ग को बुलाने के वास्ते भेजा गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक नौजवान आदमी जिसकी दाढ़ी मुड़ी हुई थी और रंग गोरा था, माँ उन बुज़ुर्ग के सफ़े नमाज में दाखिल होकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब खड़ा हो गया। तो पीरजादा कहते हैं कि मैंने इससे पहले आपकी शक्ल से तो वाकिफ ना था और ना मालूम था। कश्मीर में एक बुज़ुर्ग मौलवी नजमुद्दीन साहब हैं जिनके पास जाकर मैंने ये सारा वाक़िया बयान किया।
तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की, वो आपको आपकी तहरीरों के ज़रिए जानते हैं, गो उन्होंने आपको कभी नहीं देखा। उस दिन से मैंने इरादा किया कि लाहौर जाकर आपसे मिलूँगा। सो महज आपकी मुलाकात की खातिर मैंने कश्मीर से सफ़र किया और आपको देखकर मुझे बेख्तियार रोना इस वास्ते आया कि मुझ पर मेरे कश्फ की तस्दीक हो गई, क्योंकि जो शक्ल आपकी मैंने हालत कश्फ में देखी उससे सरे मुंह फ़र्क ना था। इस माजरा को सुनकर मुझको महान वो गुमनाम ख़त याद आया जिसका जिक्र मैंने इस ख़त के इब्तदाई हिस्से में किया है। मुझे सख्त नदामत हो रही है और रूह नहायत कर्ब व इज़्तिराब की हालत में है कि मैंने क्यों वो ख़त ज़ाया कर दिया। अब मुझको वो वजीफ़ा याद नहीं जो इस ख़त में लिखा था, आप मेहरबानी करके इस मुश्किल का कोई इलाज बताएं, क्योंकि पीरज़ादा साहब कहते हैं कि आपके मतलब मैंने कुछ देखा है, वो आपके वालदेन की दुआओं का नतीजा है। इसमें कुछ शक नहीं कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे अमाल तो इस काबिल नहीं हैं। ऐसा फ़जल ज़रूर है कि दुआ का नतीजा हो, लेकिन अगर हकीकत में पीरज़ादा साहब का कश सही है तो मेरे लिए लाइलमी की हालत सख्त तकलीफ दे है। इसका या तो कोई इलाज बताइए या मज़ीद दुआ फरमाइए कि खुदा ताला इस गिरा को खोल दे। ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ, खुदा के फजल करम से खैरियत है। चुनाचे ये सफ़र नंबर 499 और 488 499 पर ये ख़त खतूत इकबाल की जिल्द नंबर अव्वल में दर्ज है, जिसमें बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकबाल की मकबूलियत और नमाज में इकबाल का इंतज़ार होना, ये जिन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ग़ुलामों पर नज़र पर कामल यकीन है, वो इस ख़त के इकतबास पर भी यकीन रख सकते हैं। इसलिए कि इकबाल के अंदर इश्क रसूल था और इश्क रसूल की ये गमाजी थी कि अल्लामा इकबाल ने गाज़ी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह का मुकदमा भी लड़ा और मियांवाली से लाहौर आपके जसद मुबारक को मुंतकिल करवाने में सबसे ज़्यादा किरदार अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का था। गुस्ताखाने रसूल के लिए लोग बड़ा हल्का पहलू रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक इकतबास पेश करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखा। ये मकातीब इकबाल हैं और मकातीब इकबाल के अंदर इसके अंदर जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 503 है। सफ़ा नंबर 503 में एक इकतबास है, ये ख़त है 21 जून 1937 को लिखा गया है। 21 जून 1937 मकातीब इकबाल जिल्द नंबर 4 और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम लिखा गया बसीगे राज़। बाद में ये आश्कारा हो गया बसीगे राज़ क्योंकि अहम चीज़ें थी जो इकबाल दिल की चीज़ें उनसे आश्कारा कर रहे थे, चूँकि दोनों दुनियावी उलूम से मालामाल थे और दोनों का अहम मकाम था, किरदार था, मुस्लिम लीग की अहम रुकनीत थी और मुसलमानों की ज़माम थामे हुए थे। इसलिए ये ख़त सीगे राज़ में रखा गया। इसमें अहम चीज़ जो है वो मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये थी कि अल्लामा इकबाल हिंदू मुस्लिम फसादात का जिक्र करते हैं और इस दौरान ये वो दौर है जिस दौर के अंदर गाज़ी अब्दुल कय्यूम कराची के अंदर नथुराम को कत्ल कर चुके थे, गाज़ी जो है आलमदीन शहीद रहिमाउल्लाह राजपाल को लाहौर में 1929 में कत्ल कर चुके थे, ये सारा सिलसिला हो चुका था। गाज़ी मियाँ मोहम्मद तला गंग के अंदर जो है ना इश्क रसूल की दास्तां रकम कर चुके थे, गाज़ी मुरीद हुसैन ये दास्तां रकम कर चुके थे, ये उसी दौर की बात है। चुनाचे इन गाज़ियों का जिक्र करते हुए और इन गुस्ताखाने रसूल के अंजाम का जिक्र करते हुए इकबाल इस ख़त में, ये सफ़र नंबर 503 है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम फसादात का एक सिलसिला सा कायम हो चुका है, सिर्फ शमाल मगरबी हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 3 माह में कम अज़ कम 3 फ़िरकावाराना फसादात रोनमा हो चुके हैं और कम अज़ कम 4 वारदातें हिंदुओं और सिखों की तरफ से तोहीन रिसालत की हो चुकी हैं। इन 4ों मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करने वालों को फिनार कर दिया गया है, फिनार कर दिया गया है। अब देखें सो कॉल्ड जो आजकल दानिश्वर लोग हैं, क्या उनको ये जुमला हजम होगा जो कहते हैं नहीं जी ये तो हक़ खुद इरादियत है जी, हर एक को कुछ ना कुछ कहने की आज़ादी है, माफी ज़मीर जो मर्ज़ी कहे, तो
क्या उनको ये हज़म हो गया ये जुमला जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह लिख रहे हैं, और बातें हैं कि उन गुस्ताखों को फिन्नार कर दिया गया है, वासरे जहन्नम कर दिया गया है, और फिर आगे कुरान मजीद फरकान अमीद के नज़र आतश होने के वाकयात भी जिक्र कर रहे हैं कि उससे भी ये इकतबास इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह इससे खुश थे, और ये जो वासरे जहन्नम जो गुस्ताखाने रसूल हुए थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त लिखा गया, जानते हैं ख़वासो आवाम के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी अलमदीन का केस लड़ा, मुकदमा लड़ा था, इसलिए ये इकतबास बता रहा है कि गुस्ताखान रसूल के वासरे जहन्नम होने से इकबाल को इसी खुशी थी कि इकबाल आशिक रसूल भी थे, पक्के सच्चे खरे मुसलमान थे। और जो इकबाल रहिमहुल्लाह के हवाले से ये जिक्र किया जाता है कि माज़ल्लाह वो कादियानी नवाज या कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखते थे, तो मकातिब में से चूँकि जिन्होंने इकबाल के ऊपर इतराज़ किया वो भी मकातिब ही सामने लेकर आ रहे हैं, और नई चीज़ जिनका जिन्होंने अपना तफर्रद कायम किया इस चीज़ के अंदर, हम उनको इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि देखिए अल्लामा इकबाल जो हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे उसके बारे में अल्लामा क्या नज़रिया रखते हैं। चुनाचे ये मकातिब इकबाल हैं, और इसकी जल्द नंबर सोम तीसरी जल्द में से मौलवी साले मोहम्मद अदीब तौसवी, ये मौलवी साहब तौसा शरीफ से तलग रखते थे लेकिन पाक पतन के ख्वाजगान के साथ इनकी नस्बत थी, और वहाँ जो है ना अक्सर इकबाल इनको ज़िक्र करते थे, और पाक पतन शरीफ इकबाल का जाना भी होता था, और अल्लामा इकबाल पाक पतन के ख्वाजगान की उस वक्त जो गदी नशीन थे उनके हाल अहवाल भी पूछा करते थे। कसीर तादाद में मकातीब हैं इकबाल के मौलवी साले मोहम्मद अदीब तौसवी के नाम। चुनाचे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह जो मौलवी साहब को खतूत लिखते हैं उनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करते हैं, और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एक आपका सिलसिला मोहब्बत का था उसका जिक्र करते हैं। यहाँ ये इतराज़ भी कुछ दोस्तों ने किया कि जी इकबाल रोज़ा रसूल की ज़्यारत के लिए क्यों नहीं गए, आज के लिए क्यों नहीं गए, तो ये इकतबास पेश करने के बाद मैं आगे चलता हूँ कि अल्लामा इकबाल मौली साहब को लिखते हैं कि फ़िलहाल आप अपने तलीमी इम्तियाज़ात और मौजूदा मशागल वगैरह में कुछ लिख दीजिएगा मुझे, ख़त में मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत का कसद था मगर मेरे दिल में ये ख्याल जागुजी हो गया कि दुनियावी मकासद के लिए सफ़र करने के ज़िमन में हरम नबी की ज़्यारत की जरूरत करना सूए अदब है, यानी कि स्पेशल हुज़ूर की ज़्यारत की नीयत के साथ सफ़र करने के लिए निकलना ज़्यादा ममदू है, बजाय इसके क़ता नज़र इसके कि जनाब बंदा दुनियावी मकसद के लिए सफ़र कर रहा हो और साथ रोज़ा रसूल की ज़्यारत कराए। ये असल में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस दूसरी हुई थी, ये 11 फरवरी 1932 को लिखा गया है। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे उन्होंने कहा था कि इकबाल हम चलते हैं रोज़ा रसूल की ज़्यारत के लिए चलते हैं, तो आपने फरमा मकसद तो कुछ और था, हम दुनियावी मकसद के लिए आए थे गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ से और हुज़ूर के रोज़े की ज़्यारत के लिए निकलें तो ये मेरे नज़दीक ममदू नहीं है। ये इश्क रसूल था इकबाल का, जैसे भाई यदि बस्तामी रहिमहुल्लाह हज करने जाते तो वापस आप बस्ताम आते और फिर आप रखते सफ़र बांध कर आप मदीना शरीफ जाते थे, आप कहते थे कि हज की ज़्यारत की नीयत के लिए जाऊँ, काबे की ज़्यारत की नीयत के लिए, और ज़िमनन हुज़ूर के रोज़े पर जाऊँ मुझे शर्म आती है, मैं उसी तरह मुसीबतें सौबतें सफ़र की बर्दाश्त करूँगा जिस तरह मैंने हज के लिए बर्दाश्त की हैं, ताकि लोगों के सामने ज़ाहिर हो कि रोज़े रसूल की ज़्यारत की नीयत की कितनी वक़त है। चुनाचे इसके साथ इकबाल कादियानियों के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं कि उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, इस सिलसिले में मकातिब इकबाल की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 213 का ये इकतबास ये बड़ा अहम है। ये सैयद नज़ीर नियादी के नाम इकबाल ने खत लिखा है, उसमें इकबाल अपना नज़रिया क्या रखते हैं। अब इकबाल को मैं अर्ज़ करूं कि इकबाल ना ही मुफ्ती हैं, ना ही शेख अल हदीस हैं, ना ही आप कुदात के किसी
ओहदे पर फ़ायद हैं कि आप कादी हों, लेकिन इसके बावजूद इकबाल का अपना नज़रिया क्या है कि कादियानियों के बारे में, चाहे वो अहमदी हों लाहौरी हों, वो जो नबूवत की दो तरह की तशरीह करते हैं, उस बारे में इकबाल अपना फैसला कुन नज़रिया बता रहे हैं। अब फरमाते हैं कि दोनों अज़ा मौजूद हैं नबूवत के, तो अब फरमाते ख़त्म नबूवत के माना ये है कि कोई शख्स बाद इस्लाम अगर ये दावा करे कि मुझ में हर दो अज़ा नबूवत के मौजूद हैं, यानी कि मुझे इल्हाम वगैरह भी होता है और मेरी जमात में दाखिल ना होने वाला काफ़र है, तो इकबाल कहते हैं वो शख्स काज़िब है और वाजिब अल कत्ल है। ये सफ़ा नंबर 213 है मकातीब का। इकबाल लिख रहे हैं कि वो शख्स मकातीब है, जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 213 है। इकबाल कहते हैं जो नबूवत का दावा करे वो वाजिब अल कत्ल है, यानी कि ये दोनों, एक तो इल्हाम का दावा करे कि मुझ पर इल्हाम होता है, और दूसरा ये इस तरह से दावा करे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानता हूँ लेकिन मुझे भी मान लिया जाए। तो इकबाल दोनों नजरियों का रद्द करते हैं, चाहे वो लाहौरी जमात हो, चाहे वो अहमदी हो, चाहे कादियानी हो, कोई भी किसी भी नजरिया पर हो। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्ला आप फरमाते हैं कि आगे देखिए कितना खूबसूरत अल्फाज है, जो इकबाल के बड़े फैसला कुन अल्फाज हैं इस इकबाल के बारे में, इस मुफक्कर इस्लाम के बारे में कादियानियत का इल्ज़ाम थोप देना, जिसका अपना नजरिया तो देखें कि इकबाल का अपना नजरिया क्या है। चनाचे इकबाल कहते हैं कि जो ये कहे कि मुझे इल्हाम वगैरह होता है और मेरी जमात में दाखिल ना होने वाला काफिर है, तो वह शख्स कादिब है और वाजिब अल कत्ल है। और कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया गया। अब दलील क्या देते हैं, अब ये इकबाल दलील दे रहा है, जो बज़ाहिर मुफ्ती भी नहीं है, बज़ाहिर कादी भी नहीं है, बज़ाहिर जनाब कोई मुजद्दिद भी नहीं है, ये सारी सलाहियतें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इकबाल क्या कहते हैं, इश्क रसूल में डूब कर कहते हैं, ज़ोके मताला की वजह से कहते हैं। अब कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल किया गया, हालांकि जैसा इमाम सुयूती लिखता है कि वो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मुसद्दिक था और इस तस्दीक करने के बावजूद, मुसद्दिक होने के बावजूद, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक अगर उसके पास थी, इसके बावजूद उसको कत्ल किया गया, इसलिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर डाका डालता था। तो ये इकबाल ने दलील पेश की है कि अगर उसको कत्ल किया जा सकता है तो ये कादियानी भी और ये जितने भी हैं इनका हुक्म क्या है। इकबाल कहते हैं, मैं नहीं कहता, इकबाल कहते हैं कि वाजिब अल कत्ल है जो ये कहे, यानी मिर्ज़ा कादियानी का हुक्म इकबाल ने जाहिर कर दिया और जो जो कादियानी नवाज हैं उनका भी हुक्म जाहिर कर दिया। क्योंकि ये याद रखें कादियानियों की अजान भी उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब की भी अलबदाया वन आया के अंदर है कि उसकी अजान बिल्कुल इसी तरह थी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी उसके मुअज्ज़िन कहते थे, अजान में कोई तफरीक नहीं थी, अजान बिल्कुल इसी तरह थी, लेकिन फ़र्क ये था माबिहिल इम्तियाज़ क्या चीज़ है जिसकी वजह से, वो ये है कि वो कहता था कि मोहम्मद अरबी के पास भी नबूवत है, माज़ल्लाह मेरे पास भी नबूवत है, और यही काम जो है ना मिर्ज़ा कादियानी का था, वो भी यही कहता था मिर्ज़ा कादियानी कि वो भी नबी है, मैं भी नबी हूँ, मैं जिल्ली बरूजी, ये तो सारी जहतों का इकबाल ने रद्द करते हुए कहा कि ये नबूवत की इस तरह की तकसीम करने वाला, दोनों तरह की नज़रियात रखने वाला वो क्या है, वाजिब अल कत्ल है, वो वाजिब अल कत्ल है। इकबाल कहते हैं ये इकबाल का नज़रिया है, यानी देखा जाए कि अपना नज़रिया क्या है, इधर उधर की भाभा की बोलियाँ बोलना और जनाब एक मुसलमान आशिक रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम धरना, ये कोई करीने इंसाफ चीज़ रही है। चूँकि इकबाल का जो है ना रद्द कादियानियत के ऊपर बहुत बड़ा मवाद मेरे पास है, बहुत बड़ा मवाद है मेरे पास, और मैं इंशाअल्लाह ताला सामने लाऊंगा इकबाल, फिर इकबाल पर अगर किसी ने को फतवा दिया तो क्या कादियानी होने की वजह से फतवा दिया या अशार पर फतवा दिया, वो भी मैं सामने लेकर आऊँगा। किसी भी मुहक्किक ने, जिम्मेदार अहले सुन्नत के आलम ने, किसी भी ऐसी हस्ती ने इकबाल के जो है ना कादियानी होने का फतवा नहीं दिया। कलाम के ऊपर, अशार के ऊपर जो कलाम किया उस पर भी तोबा का जो जिक्र है वो भी सारा मैं बाद में जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला वक्तन। चुनाचे मेरे सुनने वाले नादरीन और सामईन, आज ये दूसरा हिस्सा मैं लेकर आया था, चूँकि इक्तबासात तवील हैं और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर की रिसर्च तहकीक है, और मैं वक्तन फवक्तन इसको लाऊंगा हिस्सों में, अकसात की शक्ल में, ताकि आप एक नशिस्त के अंदर इसको सुने
और इन इक्तबासात से फ़ायदा उठाएँ। आज जो मैंने इक्तबासात पेश किए हैं इकबाल के इश्क रसूल पर, बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पज़ीराई पर, और इकबाल का वो नज़रिया जो आप गुस्ताखाने रसूल के बारे में रखते थे, और जो ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वालों के बारे में रखते थे, मानने वाले के लिए एक इक्तबास भी काफ़ी है, ना मानने वाले के लिए दफ्तर के दफ्तर भी नाकामी हैं नाकाफ़ी हैं। इकबाल के इस्लाम का मुकदमा लेकर इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में फ़कीर मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी फिर हाज़िर होगा। सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।